डार्क अंडर आर्म्स क्यों है मेरे, इनसे कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे मैं अपने अंडर आर्म को बाकी बॉडी पार्ट के स्किन जैसी बनाऊं। हाय एवरीवन, क्या आपके मन में भी ये सब सवाल आते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो है अंडर आर्म्स के बारे में, और ये भी एक ऐसा ही टॉपिक है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। पर अगर हम बात नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी, क्योंकि बात करने से ही तो बात बनती है। मुद्दे पे आते हैं, इधर उधर नहीं भटकना है हमें। वैक्सिंग या शेविंग करने के बाद स्लीवलेस टॉप्स पहन तो लेते हैं, पर कहीं अगर पब्लिक एरिया में हाथ ऊपर करना हो तो ज्यादा लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं उनके डार्क अंडर आर्म्स की वजह से। अब मैं क्या करती हूँ अपने अंडर आर्म्स के लिए, ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि डार्क या हाइपर पिगमेंटेड आर्मपिट्स ये कोई बीमारी या परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे अंडर आर्म्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इसलिए अंडर आर्म्स के आसपास फ्रिक्शन होने से, डिओड्रेंट या एंटीपर्स्पिरेंट के कॉन्टेक्ट होने से अंडर आर्म पिगमेंट हो सकते हैं। शेविंग, वैक्सिंग, हेयर रिमूवल क्रीम्स, एक्सेसिव स्वेटिंग या टाइट क्लोथ की वजह से भी हमारे अंडर आर्म्स का कलर बदल सकता है, वो डार्क अंडर आर्म्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम एम्बेरस फील करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। पर आप अपने अंडर आर्म्स की अच्छे से देखभाल करके उसे सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारे अंडर आर्म्स को भी उतनी ही केयर और अटेंशन की जरूरत होती है जितनी हम हमारे फेस को देते हैं। अब मैं क्या रूटीन फॉलो करती हूँ अपने अंडर आर्म्स के लिए, एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले है हेयर रिमूवल। आप वैक्सिंग या शेविंग कर सकते हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, पर मैं ज्यादातर वैक्सिंग करती हूँ, क्योंकि हेयर के साथ डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव कर देता है और साथ ही क्लॉक्ड पोर्स को अनक्लॉक करता है। और वैक्सिंग इसलिए भी क्योंकि इससे जल्दी हेयर ग्रो नहीं होते हैं, पर शेविंग से हो जाते हैं तो बार बार शेव करना पड़ता है, और अगर हम ज्यादा शेव करेंगे तो भी हमारी स्किन डार्क हो जाती है। वैक्सिंग करने के बाद मैं एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और ये मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। एलोवेरा जेल डिसकलर्ड आर्मपिट्स को लाइटन करने में हेल्प करता है। अगर आपके घर में इसका प्लांट हो तो फ्रेश यूज करें, अदरवाइज आप कोई भी ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने के बाद 10-15 मिनट्स तक मैं इसे लगे रहने देती हूँ और फिर मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। आप अगर शेव करते हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो नॉर्मली वीक में 3-4 बार इसे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट डे मैं मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बना के लगाती हूँ, और मुल्तानी मिट्टी जो है स्किन को लाइटन करने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। इसमें मैं लेमन और थोड़ा सा पानी मिक्स करके पेस्ट बना लेती हूँ। और ये पेस्ट अच्छे से मैं अपने अंडर आर्म्स पे 10-15 मिनट्स के लिए अप्लाई कर लेती हूँ। मुल्तानी मिट्टी स्किन इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब करता है, स्किन पोर्स को अनक्लॉक करता है, और साथ ही स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है, जिससे डार्क आर्मपिट्स लाइटर होते हैं। और ड्राई होने के बाद मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। ये जब मैं वैक्सिंग या शेविंग करती हूँ तब करती हूँ। अब कुछ होम रेमेडीज जो मैं वीकली फॉलो करती हूँ। होम रेमेडीज जरूरी नहीं है कि मुझ पे वर्क करते हैं तो आप पे भी करेगा ही करेगा। कुछ लोगों को होम रेमेडीज के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एलर्जीज, रैशेस या फिर इरिटेशन भी हो सकती है। तो यूज करने से पहले जरूरी है पैच टेस्ट करना। आप रिस्ट पे या फिर कान के पीछे लगा के देखें, अगर कोई इरिटेशन या कुछ ना हो तो आप केयरफुली किसी भी होम रेमेडीज को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है खीरा। ये मुझे खाने में तो पसंद है ही, पर इसके मुझे DIY भी बहुत पसंद है। इसका मैं सिंपली 2-4 स्लाइस कट करती हूँ और हल्के से मेरे आर्मपिट्स में सर्कुलर मोशन में रब करती हूँ।
और बाकी बचे हुए खीरे को मैं खा करके 10-15 मिनट्स बाद इसे मैं वॉश कर लेती हूँ। नेक्स्ट रेमेडी जो डार्क आर्मपिट्स के साथ डार्क सर्कल्स एंड डार्क पिगमेंटेशन को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी मानी जाती है, वो है आलू। और ये सबके घर में होगा ही होगा, तो ये जरूर ट्राई करके देखना। आपको बस आलू को पीस के उसका जूस निकाल लेना है और उस जूस को अपने आर्मपिट्स पे अप्लाई करना है। ये नेचुरल ब्लीच की तरह एक्ट करता है, पैचनेस एंड इचिंग कम करने के साथ ये स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। और अगर आपको इतना मशक्कत नहीं करना है तो सेम खीरे की तरह स्लाइस कट करें और उसे अपने आर्मपिट्स पे रब करें। नेक्स्ट है हल्दी, पर अभी जो मार्केट में मिलती है उनमें केमिकल्स होते हैं, तो अगर कहीं आपको साबुत या खड़ी हल्दी मिले तो ही यूज करना। हल्दी कई सालों से यूज किया जाता है डार्कनेस या डार्क स्किन को कम करने के लिए। हल्दी पीस के इसमें आपको मिल्क एंड हनी मिक्स कर लेना है, फिर आपको ये पेस्ट अप्लाई कर लेना है और ड्राई होने के बाद आप इसे वॉश कर लें। ये आप हफ्ते में 2-3 बार यूज कर सकते हैं। और अब लास्ट रेमेडी है एप्पल साइडर विनेगर। इसे आपको थोड़ा सा कॉटन पे लेकर के अप्लाई करना है और ड्राई होने के बाद इसे आप वॉश कर लें। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो इसमें पानी मिक्स करके अप्लाई करें ताकि आपकी स्किन को इरिटेशन ना हो। इसमें अमीनो एसिड्स एंड लैक्टिक एसिड्स होते हैं जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ये पोर्स को अनक्लॉग करता है और स्किन के डार्कनेस को भी कम करता है। इनके अलावा आप चाहें तो आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल कोई भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ स्किन को ब्राइटर बनाते हैं। अब लास्ट फ्यू टिप्स जो आपको अवॉइड करना चाहिए, सबसे पहले है टाइट क्लोथ्स, क्योंकि टाइट क्लोथ्स की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा होगी और आपके अंडर आर्म्स डार्क होंगे, तो ब्रीदेबल क्लोथ्स पहनो जो ज्यादा टाइट फिटिंग ना हो। नेक्स्ट, डिओड्रेंट्स को डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई मत करो, हो सके तो डिओड्रेंट्स के जगह पे अंडर आर्म्स रोल ऑन यूज करो जिनमें एल्कोहल वगैरह ना हो, इससे आपके पास से अच्छी अच्छी खुशबू आएगी। और अगर आप डिओड्रेंट्स यूज करते भी हैं तो उन्हें क्लोथ्स पे स्प्रे करो, डायरेक्ट स्किन पे मत अप्लाई करो। हेयर रिमूवल क्रीम्स को कम्प्लीटली अवॉइड करो, उनमें केमिकल्स होते हैं तो उनसे स्किन डार्क हो जाती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप भी स्लीवलेस पहनने के बाद संकोच नहीं करोगे अपने हाथ उठाने में। अब इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है तो एक एहसान मुझ पर करते जाओ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन, बाय। Thank you.